हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज़ अवर डेली शो, 5 वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी शो। आज ही डे 28। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जो डे 28 है, इसमें मैंने 4 वर्ड है ना, जो आपके शुरुआत के 4 वर्ड है, वो मैंने लिए है डे 27 से। डे 27 आपको अगर देखी हो, अगर आपने वीडियो, तो उसके 4th वर्ड था ना, जो उसका डे 27 का 4th वर्ड, तो उसमें मैंने 4 वर्ड बता दिए थे। तो हौचपोच हो गया था, तो मैंने सोचा, मैंने वीडियो देखी उस वाली को, मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ रह चुकी है इसमें, तो एक बार दोबारा से समझा देते हैं। तो मैं इसलिए दोबारा से समझाऊंगा उसको, ठीक है, उन्हीं 4 वर्डों। तो हाँ, पहला वर्ड था आपका एजिटेट। एजिटेट एक वर्ब है, इसका मतलब आंदोलन करना। अगर किसी कार्य को किया जाता है तो वो वर्ब बन जाता है, ठीक है। तो एजिटेट का मतलब आंदोलन करना। इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं, टू एजिटेट फॉर रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब सुधार, सुधार के लिए आंदोलन करना, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकेंड वर्ड देखते हैं, इसी से बना था, जो कि वो था एजिटेटेड। लास्ट में ईडी लग गया था बस, और क्या मतलब, डी लगा था शायद, केवल डी लगा लास्ट में, ठीक है। तो मीनिंग चेंज हो गया, अब ये एडजेक्टिव बन गया। सबसे पहली बात क्या बन गया, ये एक एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव होता है विशेषण, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। इसका मतलब होता है परेशान और उत्तेजित, ठीक है। इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं, द थॉट ऑफ क्वेश्चनिंग एजिटेट हिम एक्सट्रीमली। थॉट मतलब विचार, क्वेश्चनिंग मतलब क्वेश्चन, सवाल पूछने के विचार ने उसे क्या कर दिया, एजिटेटेड कर दिया। एजिटेटेड मतलब परेशान कर दिया, उत्तेजित कर दिया। एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, अत्यधिक कर दिया, अत्यधिक उत्तेजित कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। बस डी लगाने से ही मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। अब सिनोनिम्स चेंज हो गए, ठीक है। सिनोनिम्स इसके बनते हैं फिर, पहला है पर्टर्ब, दूसरा है अपसेट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, दोनों का मीनिंग मिलता जुलता होता है। थर्ड वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब आंदोलन या उत्तेजना, नाउन, ठीक है। ये क्या हो गया, नाउन वर्ड हो गया। इसका सेंटेंस यूसेज देखते हैं, एजिटेशन इज अबाउट रिफॉर्म, मतलब जो आंदोलन था वो सुधार के बारे में था। इसके सिनोनिम देखते हैं, मूवमेंट, इसका सिनोनिम क्या बेटा, मूवमेंट। आप समझ गए होंगे, एजिटेशन एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब आंदोलन। वो जो पहला वर्ड था वो आंदोलन करना था, ठीक है। आंदोलन करना और आंदोलन में अलग अलग हो गया। आंदोलन सिंपल नाउन बन गया आपका, आंदोलन करना वर्ब हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है जो करता है इसे, आंदोलन को करने वाला। तो एजिटेटर हो गया, उसे बोलते हैं हम आंदोलन करता, उपद्रवी या व्याकुलता पैदा करने वाला, ठीक है। ये एक नाउन हो गया, अगर इंसान की बात हो रही है तो वो तो नाउन ही है, ठीक है। आइए आप समझ गए होंगे, एजिटेटर आंदोलन करता। तो 5th वर्ड अलग सा लिया है, 5th वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। तो 5th वर्ड देखते हैं, 5th वर्ड है एग्नी। एग्नी का मतलब कष्ट, पीड़ा या व्यथा, ठीक है। तीनों का मीनिंग एक ही होता है, ये एक नाउन है सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब एग्नी, आपको पता है कष्ट 2 तरीके का होता है, सबसे पहले मेंटली, दूसरा फिजिकली, मतलब आपको शारीरिक रूप से लगेगा, और दूसरा मानसिक रूप से, ठीक है। 2 तरीके का कष्ट हुआ, आपको पता होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एग्नी ऑफ रिजेक्शन, कष्ट किसका, रिजेक्शन का। अब मानसिक ही होगा, कॉमन सेंस ही बात है, रिजेक्शन मतलब आपको बताइए उसका, उसे कष्ट है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके सिनोनिम में देखते हैं, पहला सॉरनेस, दूसरा डिस्टेंपर, दोनों का मीनिंग सेम होता है, कष्ट या व्यथा। आई होप आप समझ गए होंगे। फटाफट से रिवाइज करते हैं, कौन कौन से वर्ड थे। पहला वर्ड था एजिटेट। एजिटेट एक वर्ब है, इसका मतलब आंदोलन करना, ठीक है। सेकेंड वर्ड था, डी लगा दिया बस, और क्या, एजिटेटेड, तो मीनिंग चेंज हो गया, इसमें मीनिंग क्या बन गया, परेशान या उत्तेजित, ठीक है। ये एक एडजेक्टिव बन गया फिर, ठीक है। अब देखो, खुद ही सोचो, आप आंदोलन करोगे तो किसी को परेशानी करोगे, कॉमन सेंस ही बात है, ठीक है। खैर, हमें इस बात से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल मीनिंग याद रखना है, ठीक है। तो 3rd वर्ड था आपका एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब आंदोलन या उत्तेजना, ये एक नाउन हो गया। 4th वर्ड था आपका एजिटेटर। एजिटेटर का मतलब आंदोलन करता या उपद्रवी, ये नाउन हो गया। अब कोई आदमी की बात हो रही है, इंसान की, व्यक्ति की बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है, अरे नाउन ही तो होगा।
फिर पढ़ है अग्नि, अग्नि का मतलब कष्ट, पीड़ा, व्यथा, ये एक नाउन था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरे द्वारा बोलने या लिखने में कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।